कार्टून टीम सब्सक्राइब नाउ। लगता है तुम्हारे घर वालों को बुलाना पड़ेगा। नहीं गुरुजी। ऐसा ही होगा अगर काम के समय सोते रहोगे। कार्टून टीवी सब्सक्राइब नाउ। मुझे पाठशाला जाना है। ये क्या हो गया? अरे ये गर्मी में ठंडी का एहसास कैसे आएगा? कार्टून टीवी सब्सक्राइब नाउ। आज तुम्हें ये क्या हो गया है? आज से पहले भी तुम ये कर्तव्य हजारों बार कर चुकी हो। माफ करना, मुझे दिन में तारे दिख रहे हैं। प्रतियोगिता में एक हफ्ता बचा है, अपने खेल पर ध्यान दो। जब मैं इस नए शहर को तबाह करने के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, ये तीनों शैतान बच्चे मेरे प्लान पे पानी डाल देते हैं। मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं दुनिया की सबसे घटिया इंसान की साथी हूँ। मैंने कोशिश की लेकिन उन तीनों शैतानों ने मेरी पोंगी बजा दी है, मेरे प्यारे आविष्कार को तबाह कर दिया। बस ये बच्चों की तरह रोना बंद करो। तुमसे अच्छा तो शाकाल है, वो अपनी हर कोशिश में कम से कम आधा तो कामयाब होता था। लड़के बिल्कुल ठीक बोले, मुझे कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे डरपोकों की तरह पीठ दिखाने की जरूरत नहीं है। आओ, मैं एक मर्द हूँ, चूहा नहीं। आओ। आओ। ये चूहा तो अब भेड़िया बन गया। कहाँ है? इतनी देरी क्यों कर दी? दिमाग मत खराब कर चल। लेकिन हुआ क्या? रात हुई और क्या। बंकी किधर है? मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठो मत, चौकीदारी करने जाना है। आज की रात पाना है क्या, खोना है क्या, चौकीदारी की नौकरी छोड़कर सोना है क्या? क्या नहीं नहीं, वहाँ शहर में बड़े बड़े राक्षस घूमते रहेंगे, चलो चलते हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो तो पता लग जाएगा हमें, डरो मत। बंकी सही कह रही है। हाँ, बड़े आलसी हो तुम लोग। मार खाना है? क्यों भेजा फ्राई कर रहे हैं यार? इसलिए तो मैंने नया आविष्कार किया है, बस थोड़े बहुत पुर्जे कसते बाकी है, फिर ये तैयार हो जाएगा। नहीं लेकिन बिल्कुल नहीं। बस करो, ये सबसे बेहतरीन आविष्कार है, इसे पूर्ति बढ़ाओ यंत्र कहते हैं, इससे तुम दोनों में बहुत ताकत आ जाएगी। हमें ताकत की नहीं, नींद की जरूरत है, और नींद के साथ साथ खाने की भी जरूरत है मुझे। मैं तो निकलता हूँ। चल यार शंकी, मान भी लो तुम्हारे आविष्कार तो कालिया भट्ट के दिमाग से भी खाली है। लेकिन ये बहुत अलग है।
इसको पासपोर्ट साइज बना देते हैं। ये लगती कपूर की तरह दिखता है यार। शुक्र है इस वाले के पास शक्तियाँ नहीं है। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। इससे तो हम अकेले ही निपट लेंगे। आग में डालूंगा पानी, याद आएगी नानी। बर्फ मार। पूरा खत्म हो गया है। बदमाश चूहा, तुम दोनों से नहीं होगा, अब मेरी बारी है। ए, ए, आ, 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 इसे कहते जोर का झटका धीरे से लगे। चौका मार दिया। इसको आउट करने का सोचो। इसके तो दोनों सिर हैं। इसका विकेट तो मैं ही लूंगा। नहीं। आज बहुत दिन के बाद नहाया हूँ। हम जिंदा हैं? हम असली अवतार में कैसे आ गए? हमारी गलती नहीं है। हमरा यंत्र हमको दे दो। मेरी शक्ति नहीं काम कर रही है। शॉक लगा लगा, शॉक लगा। छोटे, लगता है हमारी शक्ति खत्म हो गई है। नहीं, हम सबको क्या हो रहा है? हमको नहीं पता। संभले मैं कबर है, गायब हो गए। इन तीनों चूहों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं होगा। मैं पगला जाऊंगा। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, सुन रहे हो? पर मेरा काम तो अभी शुरू हुआ है। अरे नहीं। क्या बात है? कहाँ गया मेरा सास बहू का सीरियल? ले लिया भाई। अस्पताल में आग लगने के कारण दो कर्मचारी घायल हो गए। आओ, यह खबर तो बहुत ही अच्छी है। और पिछले हफ्ते एक पुल गिरा और लोगों को अब हैरानी होने लगी है कि हमारी रक्षा करने वाले कहाँ चले गए। कुछ को लगता है चाचा की शादी में गए हैं, कुछ को लगता है डर के भाग गए। हमारा शहर आज भी सुंदर और सुरक्षित है, बहुत ज्यादा। अगली बार मुझे याद से वोट देना, समझे? आओ, तीनों चूहे चले गए। उन चूहों का खेल अब खत्म हुआ, अब मेरा खेल शुरू होगा। खेल तुम्हारा होगा, जीत हमारी। अब बिल्कुल सही समय आ गया है, तुम लोगों को बाहर जाना होगा। अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है, उठो। ये तैयार हो गया। ई का था। सब्र टूट रहा है। ताकत हो या ना हो, लेकिन असली हीरो तो हम ही है। चलो दोस्तों, पीछे हट जाओ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। बच
बचो। मेरी टांग। आप फिकर मत करो, मैं मदद बुलाती हूँ। पीछे हो जाओ। अरे ये क्या? नहीं, तुम क्या सोच रहे थे नौजवान? तुम्हें बस दिखाई नहीं दी, तुम एक साधारण इंसान हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ए, कौन है रे? अरे अरे भैया, मैं हूँ। छोटे, तू इधर क्या कर रहे? धुंध देख के मन मचल गया। और छोटे, तू क्या कर रहा है? तुम कौन होती हो पूछने वाली? दरअसल अरे हम तीनों की खोपड़ी सटक गई है। दोस्तों, ये पागलपन है, हमारे पास कोई शक्तियाँ नहीं है अब। शंकी के होते शक्तियों की क्या जरूरत? ये नौटंकी को दूर रख मुझसे। नौटंकी नहीं है ये दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा और साथ साथ चौके भी छुड़ा देगा। मुझे लगता है तू हम सबको उड़ा देगा। ऐसा नहीं होगा, भरोसा रखो, इस बार ये यंत्र जरूर काम करेगा। और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं, तुम्हारे पास है? दरअसल नहीं, ये यंत्र को अपने पास ही रखता हो। शंकी, ये सब तेरे गांव वाले हैं क्या? आज की रात हमारे प्यारे रात है। कुछ यंत्र लग रहा है बड़े भैया, उनके मालिकों का काम तमाम कर दे तो बाकी लोग भाग जाएंगे। अब इसे अपनी काली कर दे तो का? मुझे नहीं लगता कि इस यंत्र लग रहा है बड़े भैया, उनके मालिकों का काम तमाम कर दे तो बाकी लोग भाग जाएंगे। अब इसे अपनी काली कर दे तो का हिसाब देना पड़ेगा। हो जा शुरू। लग गया निशाना। अब तो इस यंत्र पे भरोसा ही नहीं रहा। हमें क्या हो गया? मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मुझ में किसी ने हवा भर दी क्या? पर ये हुआ कैसे? चुपचाप आम खाओ मुफ्त के। जाओ मेरे बच्चों, इस शहर में डीजे बजाओ, सबकी नींद खराब करो, परेशान करो, तबाही मचाओ। सौ सुनार के तो एक लुहार की है। इस शहर को ये लोग कूड़ा घर बना देंगे। ध्यान से सुनो, अगर तेरे यंत्र से इनकी शक्ति बढ़ सकती है तो हमारी भी शक्ति लौट सकती है। बात में तो दम है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, हार के आगे जीत होती है। छोटे क्या करूँ, कुछ नहीं समझ रहा। ठीक करो नहीं तो फटके पड़ेंगे। हम तीनों असली हीरो हैं, मानते हो या नहीं? हाँ, क्या ये हमारी शक्ति लौटाएगा? कोशिश करता हूँ। शुरू हो जा। शुरू करो। जाओ जाओ, हमला करो। अपना टाइम आ गया है। लगता है इसका टाइम आ गया है। Oh.
ये क्या? ये मोटा तो बहुत ताकतवर है, अपनी सबकी चट्टी बना देगा ये। अरे बच के। मेरा प्यारा बच्चा क्रिकेट खेलेगा, छक्का मारूंगा। मार डाला। तुम नालायक हो, तुम्हें शहर पर राज करने का कोई हक नहीं है। आपसे शहर पर मैं राज करूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बच्चों इस पर हमला करो और इसके नानी याद दिला दो। ओहो, अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो मैं तुम्हें मिटा भी सकता हूँ। अच्छा, तुमने अपनी शक्ल देखी है आईने में? इससे तो मुझे गुदगुदी भी नहीं हुई, लेकिन अब मेरी बारी है। एक बुड्ढे को कोई इतना मारता है क्या? पापा को घर ले चलो। कार्टून टीवी सब्सक्राइब नाउ। ये तूफान तो पूरे शहर को समोसे की तरह निगल जाएगा। उस चुड़ैल ने उस गेंडे को कैसे हराया, देखा तुमने क्या? लेकिन शायद हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अब तुम तीनों अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा ये बातें, आओ देखें किसमें कितना है दम। क्योंकि अब मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान बन गई हूँ। ये लो। गफूर से भी ज्यादा ड्रामा। इसकी भी सुनो। नमस्कार शहरवासियों, खबर के मुताबिक हमारे शहर में एक तूफान आया था। वैसे तो रोज ही आता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम सब बिल्कुल तैयार हैं। चुप चुप हो जाओ और कितनों की बकवास सुनूं मैं। माँ और पिताजी, मैं और मेरे दोस्त पिछले कुछ दिनों से अजीब फैसले ले रहे हैं। हमें पता नहीं हम सही है या गलत। हम हर वक्त आलसी बन जाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर वक्त गड़बड़ हो जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, एक नहीं दो चार शक्तियाँ दिला दे। ऐसे वैसे को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। इस बार क्या है? लगता है लिफ्ट मिल गई है। हमको भी करा दो। लगता है सब पहले की तरह ठीक हो गया है। कार्टून टीवी सब्सक्राइब नाउ। लेट्स फिनिश इट। ओके।